फ्रेंड्स, मैं पुनः आपके सामने हाजिर हूँ नया वीडियो लेकर। आप सभी वीडियो को काफ़ी लाइक कर रहे हैं, अपनी इच्छाएं जाहिर कर रहे हैं और कई अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि आप वीडियो के साथ में इंग्लिश और हिंदी मिक्स जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उससे हमें काफ़ी अच्छी समझने में हेल्प मिलती है। शुक्रिया आप सभी का। और कईयों की ख्वाहिश रहती है, बहुत दूर दूर से मेरे पास कमेंट्स आते हैं, कोई उत्तराखंड से आता है, कोई कहीं और से आता है, कोई कहता है कि सर इस प्रकार की वीडियो बनाइए। बिल्कुल, मैं आप सभी की भावनाओं का ध्यान रखूँगा, सम्मान करूँगा, लेकिन एट प्रेजेंट जो मैं वीडियो सीरीज लेने जा रहा हूँ वो प्लांट नोमेनक्लेचर से रिलेटेड ले रहा हूँ। और इसको कंप्लीट होने के बाद में मैं आपकी जो ख्वाहिश जैसे जैसे आएंगी उनको अलग से नोट करता जा रहा हूँ और उनको आपके सामने प्रस्तुत करता जा रहा हूँ। स्वागत आपका बहुत बहुत इस नए वीडियो के अंदर। जैसा कि हम बात कर रहे थे, पिछला वीडियो हमारा ICBN और ICN की मुख्य मुख्य रूल से संबंधित चल रहा था, जिसमें पिछले वीडियो में हमने रैंक ऑफ टैक्सा या यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन से संबंधित बात की थी। आज जो हम ये वीडियो लेने जा रहे हैं, ये वीडियो रूल्स ऑफ प्रायोरिटी या प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी से संबंधित हम लेने जा रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे रूल्स ऑफ प्रायोरिटी या प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको हम कई एग्जांपल्स के जरिए लेंगे और इस रूल्स की क्या क्या लिमिटेशंस हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे। तो आइए देखिए ये रूल ऑफ प्रायोरिटी क्या है। रूल ऑफ प्रायोरिटी बेसिकली क्यों बना, इसके पीछे कई कारण हैं। उन कारणों के अंदर साइंटिस्ट ने अपने शोध करते रहे, रिसर्च करते रहे और प्लांट्स को बॉटनिकल नाम सही नाम भी देते रहे, अकॉर्डिंग टू रूल्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग वो नाम देते रहे। लेकिन जब दूसरे साइंटिस्ट ने स्टडी करना शुरू की तब देखा कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने इस पर्टिकुलर जगह से प्लांट्स की स्टडी की है और उस स्टडी के तहत उन्होंने पाया कि वहाँ पर प्लांट्स की संख्या तो सिर्फ 100 ही है, टैक्सा की संख्या तो सिर्फ 100 ही है और वहाँ पर नाम्स देखे, बॉटनिकल नाम्स देखे तो 200 दिख रहे हैं, 300 दिख रहे हैं, 400 दिख रहे हैं। तब ऐसा लगा कि यहाँ पर बहुत सारे नाम पब्लिश्ड हो गए हैं और तब ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि यहाँ पर कौन सा नाम कौन से टैक्सा के लिए दिया गया है या कौन सा नाम सही है और कौन सा नाम गलत है, यानी कि नंबर ऑफ पब्लिश्ड नेम्स हो गए और उन पब्लिश्ड नेम की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई जितने टैक्सा वहाँ पर एक्चुअल नंबर ऑफ टैक्सा थे ही नहीं। इसलिए साइंटिस्ट के सामने ये समस्या होगी कौन सा नाम यहाँ पर रखा जाए, इतने सारे जो अनेक नाम हैं उन अनेक नाम के अंदर कौन सा नाम रखा जाए, जबकि वो नाम एक ही टैक्सोन के नाम थे, सेम टैक्सोन के एक ही टैक्सोन के एक से ज़्यादा नाम सामने आ रहे थे, तो ऐसी स्थिति में कौन सा नाम रखा जाए। जैसे कि मैंने पूर्व में बात की थी कि हम बच्चे का जब नाम रखते हैं तो बच्चे के नाम एक से ज़्यादा दे दिए जाते हैं और एक से ज़्यादा दे दिए जाते हैं तो कोई व्यक्ति बचपन में उस बच्चे से मिला होता है तो उसका कुछ नाम होता है, 5 साल बाद में कोई व्यक्ति मिला होता है तो उसका कुछ नाम और होता है, और 10 साल बाद में मिलता है तो उसका नाम कुछ और होता है, 10th में आ जाता है तब उसका नाम कुछ और होता है, इवन कई बार बोर्ड में नाम लिखने के बाद भी वो अपने जॉब में आ जाता है तब भी उसका नाम कई बार परिवर्तित हो जाता है या परिवर्तित करवा लिया जाता है। तो उस स्थिति में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कौन सा नाम सही है और कौन सा नाम गलत है। लेकिन ह्यूमन बींग के नाम देने के लिए तो जो नियम बने हुए हैं, जो हमने देखा है कि रजिस्टर्ड नाम ही अपने आप में उचित नाम होता है या करेक्ट नाम होता है, लेकिन बॉटनिकल वर्ल्ड के अंदर इतने सारे नाम दिए गए होते हैं जो नियमों के अनुरूप ही होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने स्टडी करके उसका नाम कुछ दे दिया, दूसरे व्यक्ति ने उसी प्लांट की स्टडी करके उसका कुछ और नाम दे दिया, तीसरे व्यक्ति ने उसी प्लांट की स्टडी करके कुछ और नाम दे दिया, तब ये भ्रम की स्थिति हो जाती है। तो इस भ्रम की स्थिति से उबरने के लिए ये रूल ऑफ प्रायोरिटी या प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी बना और इस प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी से ये एक
हेल्प मिलती है या सहायता मिलती है कि इतने सारे जो नाम हैं उन नामों में से पर्टिकुलर टैक्सा के लिए नाम सेलेक्ट करना होता है तो केवल एक ही नाम सेलेक्ट किया जाए और उस नाम को सेलेक्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी हर एक जो फैमिली होती है या हर एक जो टैक्सन ऑफ लोअर रैंक होता है ये जो नाम है ये नेम फैमिली रैंक से ऊपर के जो टैक्सन होते हैं उसके ऊपर लागू नहीं होता है। ये फैमिली या फैमिली से नीचे की जो लोअर रैंक के टैक्सन होते हैं उनके ऊपर ही लागू होता है विद पर्टिकुलर सर्कमस्क्रिप्शन में लागू होता है पोजीशन में लागू होता है और रैंक में लागू होता है। इसलिए हर एक जो रैंक होती है हर एक पोजीशन होती है या हर एक जो टैक्सन होता है फैमिली फैमिली से जीनस या स्पीसीज या वैरायटी जो भी लोअर रैंक होती है उसी के ऊपर वो लागू होता है। तो हर एक रैंक का कोई ना कोई सिर्फ एक ही नाम करेक्ट नेम होता है सही नाम होता है और ये जो नाम होता है वह कौन सा नाम होता है अर्लीएस्ट नाम होता है सबसे पहले दिया गया नाम होता है जो वैलिडली पब्लिश्ड होता है वैध रूप से प्रकाशित किया गया हो उस टैक्सन का नाम वह ही करेक्ट नाम होता है। अदरवाइज बहुत सारे जो नाम दिए गए हैं जो अर्लीएस्ट भी नहीं हैं और वैलिडली पब्लिश्ड भी नहीं हैं तो वो मान्य नहीं माने जाते हैं ऐसे नामों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन ये नियम जो भी हमने बात की थी आठ फैमिलीज उनके ऊपर लागू नहीं होता है हालांकि उनके लिए अल्टरनेटिव नेम्स परमिट कर दिए गए हैं इसलिए ये उनके लिए अपवाद स्वरूप लागू नहीं होता है आठ फैमिलीज के लिए। लेकिन दूसरे जो फैमिलीज हैं या दूसरे टैक्सा हैं उनके ऊपर लागू होता है लेकिन जिन जीनस के नाम्स को कंजर्व्ड कर लिया गया है उनके ऊपर भी लागू नहीं होता है। तो जो करेक्ट नेम होता है किसी भी टैक्सोन का बिलो रैंक ऑफ जीनस से उसके साथ में कई बार कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है और कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उस समय ये ध्यान रखा जाता है कि अर्लीएस्ट जो सबसे पहले किसी प्लांट का नाम दिया गया है उसके साथ में कॉम्बिनेशन बनाया जाए और उसका लेजिटिमेट एपिथेट यूज करते हुए उसे नाम दिया जाए तब तो नाम सही होता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो नाम सही नहीं होता है। इसलिए सेम रैंक विद करेक्ट नेम ऑफ द जीनस और स्पीसीज टू विच इट इज असाइंड एक्सेप्ट इन सर्टेन स्पेसिफाइड केस कुछ स्पेसिफाइड केसेस में ऐसा नहीं होता है तो अलग बात है अदरवाइज जो भी स्पेसिफिक एपिथेट होता है उसे यूज कर किया जाता है उसे नाम देने के समय। इसलिए जितने भी जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है ये प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी कंसर्न विद द सिलेक्शन ऑफ ए सिंगल करेक्ट नेम एक अकेला करेक्ट नेम से संबंधित होता है किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का। इसलिए ओनली लेजिटिमेट नेम्स शुड बी रिटेन्ड यानी कि जितने सारे नाम दिए गए होते हैं उन नामों में से लेजिटिमेट लेजिटिमेट मीन्स नियमों के अनुसार वैध नाम होता है वैलिड नाम होता है वही रिटेन होता है वही आगे चलता है बाकी से सारे नाम रिजेक्ट कर दिए जाते हैं जिन्हें सिनोनिम कहा जा सकता है लेटर होमोनिम कहा जा सकता है सुपरफ्लूस नेम्स कहा जा सकता है टोटोनिम्स कहा जा सकता है जो आगे हम दूसरे रूल के अंदर बात करेंगे ऐसे नामों की कि कौन कौन से इलेजिटिमेट नेम्स हैं और ये इलेजिटिमेट नेम्स लेजिटिमेट नेम्स के विरुद्ध होते हैं इसलिए इन नेम्स को रिजेक्ट किया जाता है। ये जो प्रायोरिटी ऑफ रूल्स है ये रूल्स आर्टिकल 11 और 12 के तहत दिया गया है और आर्टिकल 11 के अंदर हर एक जो फैमिली होती है या टैक्सोन ऑफ लोअर रैंक होता है जो पर्टिकुलर सर्कमस्क्रिप्शन होता है पोजीशन होता है रैंक होता है उसको सिर्फ एक ही नियम दिया जाना चाहिए करेक्ट नाम। आर्टिकल 11 ही कहता है कि फॉर एनी टैक्सोन फ्रॉम फैमिली टू जीनस इंक्लूसिव होता है तो उसके लिए करेक्ट नेम होता है वह अर्लीएस्ट लेजिटिमेट वन होता है एक जो सबसे पहले दिया गया होता है वह नाम लेजिटिमेट होता है वैलिडली पब्लिश्ड होता है सेम रैंक के लिए। इसी प्रकार से आर्टिकल 12 कहता है कि ए नेम ऑफ टैक्सोन
हैज़ नो स्टेटस, कि जब किसी एक टैक्सोन का नाम किसी प्रकार का स्टेटस नहीं रखता है अंडर दिस कोड, इस कोड के अंतर्गत, अनलेस इट इज़ वैलिडली पब्लिश्ड, यदि वह वैलिडली पब्लिश्ड नहीं होता है, स्टेटस नहीं होता है, तो नाम सही नहीं माना जाता है। आर्टिकल 14 कहता है कि द एप्लीकेशन ऑफ बोथ कंजर्व्ड एंड रिजेक्टेड नेम्स इज डिटरमाइंड बाय नोमेनक्लेचरल टाइप, कि जो भी कंजर्व्ड नेम्स होते हैं या रिजेक्टेड नेम होते हैं उन्हें नोमेनक्लेचरल टाइप से डिटरमाइंड किया जाता है। पांचवा जो इसका नियम कहता है, व्हेन ए नेम प्रपोज्ड फॉर कंजर्वेशन, कि जब किसी भी नाम को कंजर्वेशन संरक्षण के लिए प्रपोज किया जाता है, हैज प्रोविजनली अप्रूव्ड बाय द जनरल कमेटी, जो जनरल कमेटी की जरिए प्रोविजनली अप्रूव किया जाता है, बोटनिस्ट आर ऑथराइज्ड, बोटनिस्ट अधिकृत होते हैं टू रिटेन इट, इसे एज इट इज रखने के लिए, पेंडिंग द डिसीजन को पेंडिंग रखने के लिए ऑफ ए लेटर इंटरनेशनल बोटनिकल कांग्रेस, यदि इस प्रकार की चीज़ें आती हैं, जैसे इस इंटरनेशनल बोटनिकल कांग्रेस के अंदर इस प्रकार की चीज़ें आई, तो उसको डिसीजन लेने के लिए बोटनिस्ट के ऊपर छोड़ दिया जाता है, और अगली जब भी इंटरनेशनल बोटनिकल कांग्रेस होती है उसके अंदर ऐसे नामों के ऊपर डिसीजन ले लिया जाता है कि इनके ऊपर क्या डिसीजन लिया जाए। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी नोट इम्प्लीटेड ऑन हायर टैक्सा अबोव देन फैमिली लेवल, जो हमने बात शुरू के अंदर कह दी थी। वैलिड पब्लिकेशन ऑफ नेम्स होते हैं इज यूजुअली कंसिडर्ड बिगनिंग इन May 1753, यानी कि कोई भी जो नाम होता है जिसका वैलिड पब्लिकेशन होता है उसकी शुरुआत है यह 5 मई 1753 है, दिनांक है, इस दिनांक से ये नाम शुरू हुए हैं, और ये दिनांक स्पीसीज प्लांटेरम की डेट ऑफ पब्लिकेशन है जो सर कार्लस लिनियस ने लिखी थी। इस प्रकार से अमोंग मैनी नेम्स ऑफ ए टैक्सोन, जब किसी टैक्सोन के अनेक नाम दिए जाते हैं तब द वैलिड विल बी अर्लीस्ट नेम, वैलिड कौन सा होगा जो सबसे पहले दिया गया होगा, जो कि रिगार्डेड एज करेक्ट नेम, जिसे सही नाम ठहराया जाएगा। रूल ऑफ प्रियोरिटी प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू हिज नेम, जो रूल्स ऑफ प्रियोरिटी इसके लिए स्टेबिलिटी प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है कि इसके बाद में इतने ज़्यादा नाम देने की आवश्यकता नहीं है। द प्रिंसिपल दैट सीनियोरिटी इज फिक्स्ड बाई द डेट ऑफ वैलिड पब्लिकेशन इज नोन एज प्रिंसिपल प्रियोरिटी, इसलिए ये जो सीनियोरिटी होती है ये इस रूल के जरिए फिक्स की जाती है कि डेट ऑफ वैलिड पब्लिकेशन कब है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी। जैसे हम बात करते हैं कई बार कि जैसे घर के अंदर 5 सदस्य हैं और 5 सदस्य में 1 सदस्य बड़ा है, दूसरा छोटा है, तीसरा छोटा है, तो हम भी कई बार इस प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी का ध्यान रखते हैं कि नहीं भाई, बड़े की पहले शादी करेंगे, छोटे वाले की बाद में शादी करेंगे। कभी ऐसा होता है क्या कि हमें छोटे वाले की शादी पहले कर दें, बड़े वाले की बाद में करें? ये एक सामान्य नियम जो हम हमारे उसमें फॉलो करते हैं, तो अब यहाँ पर तो फॉलो कौन करे, इसके लिए फॉलो करने के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर बना हुआ है या इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर बना हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग हम इन प्लांट्स की नोमेनक्लेचर के लिए ये प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी फॉलो करते हैं। और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए मैंने कुछ ये एग्जाम्पल लिए हैं, उन एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल बात करेंगे कि जैसे एक जीनस के 3 नाम दिए गए हैं और तीनों नाम अलग अलग समय में दिए गए हैं, जैसे सबसे पहले एक जीनस पॉलीगेला नाम दिया था लिनियस ने 1753 में, बाद में इसी जीनस का नेक नामक साइंटिस्ट ने पॉलीगेला नाम दिया 1768 में, और इसी जीनस का बाद में पॉलीगेलोइडिस नाम दिया अगस्टी नामक साइंटिस्ट ने 1770 में, यानी कि एक ही जीनस के 3 नाम अलग अलग समय में दे दिए गए, और ये 3 नाम जब अलग अलग समय पे अलग अलग व्यक्तियों ने दिए, लेकिन तीनों को ही नहीं मालूम था कि ये 3 नाम दे दिए, लेकिन जब साइंटिस्ट ने स्टडी की तब मालूम पड़ा कि ये 3 नाम तो एक ही जीनस के दिए गए हैं, इसलिए इन 3 में से किसको सही रखा जाए,
तब इस प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को लागू करके ये देखा गया कि इनमें से सबसे पहले अर्लीएस्ट नाम कौन सा दिया गया है, और अर्लीएस्ट नाम देखने के लिए जो इनका पब्लिकेशन डेट है, एक का 1753 है, एक का 1768 है, एक का 1770 है। तो अर्लीएस्ट जो पब्लिश्ड नेम है ये 1753 के अंदर लीनियस ने दिया था, वही नाम इस जीनस का करेक्ट नाम है। शेष नाम इसके करेक्ट नहीं हैं, ये सिनोनिम्स हैं या सुपरफ्लुअस नेम्स हैं, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इस नाम को सही ठहराया गया है। इसी प्रकार से यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो एक स्पीसीज के तीन नाम दिए गए हैं, और तीन नाम, सबसे पहले नाम दिया बर्म एफ ने 1768 के अंदर निम्फिया नोचेली के नाम से, और इसी स्पीसीज का नाम विल्डनो ने 1799 के अंदर निम्फिया पब्बीसेंस के नाम से दिया गया। फिर इसी स्पीसीज का नाम हुकर टी ने 1872 में निम्फिया टॉरस के नाम से दिया गया। तीनों व्यक्तियों ने अलग अलग समय में एक ही स्पीसीज के नाम अलग अलग जगह पर दे दिए, लेकिन तीनों को नहीं मालूम, लेकिन जब साइंटिस्ट के सामने, रिसर्चर्स के सामने ये तीनों नाम सामने आए तब मालूम पड़ा कि तो एक ही स्पीसीज के तीन नाम दिए गए हैं, इसलिए इनमें से कौन सा नाम सही रखा जाए। इसलिए इन तीनों नियमों को एक साथ रख करके, इनके टाइप्स को रख करके देखा, तब मालूम चला कि इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी लागू करके देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी लागू करके देखा तो सबसे पहला नाम जो बर्म एफ ने 1768 में दिया था ये अर्लीएस्ट नाम है, बाद में 1799 में या 1872 में जो नाम दिए गए ये बाद में नाम दिए गए हैं, इसलिए अर्लीएस्ट नाम, सबसे पहले दिया गया नाम निम्फिया नोचेलाई ही इस स्पीसीज का करेक्ट नाम है, बाकी नाम करेक्ट नहीं है। ये नाम इस स्पीसीज के सिनोनिम है या पर्यायवाची नाम है, इसलिए यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी से ये समाधान हो गया कि यहाँ पर ये सबसे पहले दिया गया नाम ही करेक्ट नाम है। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा हटके है। इस एग्जाम्पल को हम देखें तो ल्यूरोरियो नामक साइंटिस्ट ने 1790 में एक प्लांट डिस्क्राइब किया और उसे फाइसिकियम नाटांस नाम दिया, और उसके बाद में ALD जस्सू ने इस प्लांट को वेलिसनेरिया जीनस में 1828 में ट्रांसफ़र कर दिया और इसको नाम दिया इन्होंने वेलिसनेरिया फाइसिकियम, और ये नाम सुपरफ्लुअस नाम था, क्योंकि यहाँ पर जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की उसमें स्पेसिफिक एपिथेट को यूज करना था, और नाटांस स्पेसिफिक एपिथेट को यूज करना था, और नाटांस को यूज करते वेलिसनेरिया नाटांस नाम देना था इसको, लेकिन इन्होंने वेलिसनेरिया फाइसिकियम नाम दे दिया, यानी कि जेनेरिक एपिथेट को यूज कर लिया, इसलिए ये नाम सही नाम नहीं था, ये नाम सुपरफ्लुअस नाम था। इसके बाद में इसी स्पीसीज को ग्रेबनर ने 1912 में डिस्क्राइब किया वेलिसनेरिया जाइजेंटी के नाम से, और उसके बाद में इसी स्पीसीज को मिक्की नामक साइंटिस्ट ने 1934 में डिस्क्राइब किया और इसे वेलिसनेरिया एशियाटी का नाम दिया। इसलिए एक स्पीसीज के अब तक चार नाम सामने आ गए, और उसके बाद में एक हारा नामक साइंटिस्ट ने एशियाटिक स्पीसीज का स्टडी की, और स्टडी करने पर उन्होंने पाया कि तीनों जो नाम हैं ये तीनों नाम सिनोनिमस हैं, यानी कि सबसे पहले फाइसिकस नाटांस जो नाम दिया था वो तो सही है, और उसके बाद में जो तीनों नाम दिए हैं वेलिसनेरिया फाइसिकियम या वेलिसनेरिया जाइजेंटी, ये तीनों नाम जो पहले दिए गए हैं ये वेलिसनेरिया एसिटी का, ये तीनों नाम सिनोनिम्स हैं या पर्यायवाची नाम हैं, इसलिए इनमें से लेजिटिमेट कॉम्बिनेशन जो बनना था, जो हमने पहले बात की है, फाइसिकियम नाटांस ल्यूरो बनना था जो एग्जिस्ट कर रहा है।
ये लेकिन ये इन्होंने दिया नहीं, इसलिए हारा नामक साइंटिस्ट ने नया कॉम्बिनेशन बनाया और ये कॉम्बिनेशन वेलिस्नेरिया नाटांस बनाया, जो इन्होंने 1974 के अंदर बनाया। इसलिए इस स्पीसीज का करेक्ट नाम वेलिस्नेरिया नाटांस है, और शेष जो नाम है जिसमें, और ये जो नाम था ये फाइसिकियम नाटांस के ऊपर बेस था, और ये फाइसिकियम नाटांस इसका बेसियो नेम है। और शेष वेलिस्नेरिया जाइजेंटिर वेलिस्लेरिया एशियाटिकी को नॉन एज नॉमन क्लिचरल सिनोनिम्स, जिन्हें नामकरण के सिनोनिम्स कहा गया है, या होमोटिपिक सिनोनिम्स कहा गया है, यानी कि एक ही प्लांट के दो अलग अलग नाम हैं, इसलिए इनको होमोटिपिक सिनोनिम्स भी कहा गया है। कुछ लोगों ने इन दोनों को, वेलिस्नेरिया जाइजेंटिक और वेलिस्नेरिया एसीटी को, सेपरेट टाइप्स के ऊपर बेसिस करके इस प्रकार के सिनोनिम्स को टेक्सोनॉमिक सिनोनिम्स या हिट्रोटिपिक सिनोनिम्स की संज्ञा दी है। इसलिए इस प्रकार की जब नाम आ जाते हैं और इन नामों को कोई फ्लोरा राइटिंग करने वाला व्यक्ति होता है, फ्लोरा लेखन करने वाला व्यक्ति होता है, तो फ्लोरा के अंदर किस प्रकार से यूज करता है, ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने वेलिस्नेरिया नाटांस ल्यूरियो, ल्यूरियो को हमने ब्रैकेट में लिखा है। ब्रैकेट में क्यों लिखा है कि ये नाम फाइसिकियम नाटांस ल्यूरियो 1790 के ऊपर बेस्ड है, और इस प्लांट के ऊपर बेस्ड होने के कारण से इसे बेसियोनिम कहा गया है, और इस बेसियोनिम के बेसिस पर हारा 1974 ने ये नया नाम दिया है वेलिस्नेरिया नाटांस, जो इस स्पीसीज का करेक्ट नाम है। बाद में दिए गए नाम वेलिस्नेरिया फाइसिकियम एल्डुजिसी का 1828 का सुपरफ्लुअस नेम है, वेलिस्नेरिया जाइजेंटिया ग्रेबनर 1912 का नॉमन क्लिचरल या टेक्सोनॉमिक सिनोनिम्स है, वेलिस्नेरिया एसीटी का मिक्की 1934 नॉमन क्लिचरल या टेक्सोनॉमिक सिनोनिम्स है। इस प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी के बेसिस पर हम देखते हैं, तब यहाँ पर एक ही नाम सही होता है, या एक नाम बेसोनिम हो सकता है, शेष नाम सुपरफ्लुस या सिनोनिम्स हो सकते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं या सीमाएं हैं। उन सीमाओं में पहली सीमा है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी कहता है कि जो स्टार्टिंग डेट है ये 1/5/1753 होगी, जो स्पीसीज प्लांटेरम की लीनियस द्वारा लिखित पुस्तक की पब्लिश्ड डेट है, ये प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी की स्टार्टिंग डेट होगी। और ये जो नियम है, लिमिटेड ओनली अप टू फैमिली रैंक, ये सिर्फ फैमिली रैंक तक ही सीमित होगा, इससे ऊपर की रैंक तक सीमित नहीं होगा। इसलिए प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई ओवर फैमिली रैंक, फैमिली रैंक से ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जो करेक्टेड नाम होंगे ये रैंक से आउटसाइड के नहीं होने चाहिए। ओनली व्हेन ए करेक्ट नेम इन द टैक्सोन इज नॉट अवेलेबल, यदि किसी टैक्सोन का एक सही नाम नहीं मिलता है तो एक कॉम्बिनेशन बनाया जाना चाहिए विद अदर रैंक इज अलाउड, दूसरी रैंक को अलाउ करते हुए। और द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी रिजल्टेड इन न्यूमरस नेम्स चेंजेज, जब ये प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी यूज करते हैं तो बहुत सारे जो नाम दिए जाते हैं उसको यह है एक तरह से प्रोहिबिट करता है, और ये प्रोहिबिट करता है टू अवॉइड इट ए लिस्ट ऑफ कंजर्व्ड जेनेरिक एंड फैमिली नेम्स हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड इन द कोड। यदि इस प्रकार से बहुत सारे नाम होते हैं और यदि उनमें से किसी को सही रखना हो तो इसके लिए आईसीबीएन के थ्रू एक लिस्ट बनानी चाहिए, और इस लिस्ट को कंजर्व्ड लिस्ट कहा गया है, जो जेनेरिक नेम्स की या फैमिली के नेम्स की होगी, जो उस कोड के अंदर पब्लिश होनी चाहिए, जिसमें कुछ चेंजेज हो सकते हैं। इस प्रकार की जो लिस्ट होती है, जैसे जेनेरिक नाम से संबंधित जो लिस्ट होती है, इसे नोमिना जेनेरिका कंजर्वेंडा के नाम से जाना गया है। इस के अंदर करेक्ट नेम्स को यूज किया जाता है और इन्हें रिप्लेस कर लिया जाता है अर्लियर लेजिटिमेट नेम्स के जरिए। यदि कोई पहले
पहले लेजिटिमेट नेम्स दिए गए हैं और बाद में ये नाम दिए गए हैं जिनको संरक्षित कर लिया गया है, तो उनके द्वारा इनको रिप्लेस कर दिया जाता है। यदि ऐसे रख लेते हैं तो नहीं मालूम पड़ता कि कौन से नाम के अगेंस्ट ये यूज़ किए हैं। तो ये इस प्रकार की तकनीक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे सेस बानिया स्कोप 1777 इज द कंजर्व्ड जीनस अगेंस्ट सेस बान एडम 1753 एंड अगेटी एडम 1763, यानी कि 1763 के अंदर सेसबन एडम नाम दिया गया था और अगेती एडम 1763 में दिया गया था। इन जीनस के अगेंस्ट सेस बानिया स्कोप जो 1777 में बाद में दिया गया है उसके बावजूद भी इसको संरक्षित कर लिया गया है, क्योंकि ये पॉपुलरिटी ज़्यादा रही होगी या और कोई कारण रहे होंगे जिसे संरक्षित कर लिया गया है। इस प्रकार के करीबन स्टॉकहोम कांग्रेस के अंदर 787 जेनेरिक नेम्स को कंजर्व्ड किया गया था। ऐसे बहुत सारे नेम्स हैं जो वेस्कुलर प्लांट्स से रिलेटेड हैं, इनको संरक्षित कर लिया गया है। इस प्रकार से इस रूल ऑफ प्रायोरिटी के तहत हमने आज ये जाना कि छोटे का क्या महत्व होता है और बड़े का क्या महत्व होता है। बड़ा बड़ा ही रहता है, छोटा छोटा ही रहता है, यानी कि पहले जन्म लेने वाले को प्राथमिकता दी जाती है और बाद में आने वाले को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। प्राथमिकता उसी स्थिति में दी जाती है यदि वह नियमों में आता है, तो अदरवाइज उसे प्राथमिकता या प्रायिकता नहीं दी जाती है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपके सामने ये रूल ऑफ प्रायोरिटी रखा है। हो सकता है आप इसे और अच्छी तरह से इसके ई कंटेंट से अच्छी तरह से समझेंगे। मैंने बहुत सारी कोशिश की है इसको समझाने के लिए। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे लाइव। वीडियो देखते रहिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।